देखिए को फैक्टर में हमेशा आपके पास चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है सो दैट क्वेश्चंस दे दें पहले। जेड है ठीक है, ठीक है। यस तो मैट्रिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन देखते हैं कि कैसे बनेगी। इन रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स लेट अस सी द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज ए नंबर ए गिवन बाय एक्स वाई, है ना। अब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस बिहेविंग लाइक अ मिरर। ओके, एक्स एक्सिस बिहेविंग लाइक अ मिरर, तो इट विल मेक इट्स इमेज एट दिस पॉइंट ए एक्स माइनस वाई। ओके, ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो उनके कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बन गए, कोऑर्डिनेट इनके क्या बन गए, एक्स इक्वल टू एक्स ही रह गया, है ना। यस, एक्स इक्वल टू एक्स बन गया। अगर मैं इसको एक्स वन लिख लूं बाद वाले कोऑर्डिनेट को, लेट्स से दिस इज एक्स वन वाई वन, क्या बोलूं इसको मैं, एक्स वन वाई वन बोलूं, तो क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू x बन जाएगा और y1 इक्वल टू माइनस y बन जाएगा, है ना। यस, दिस x1 कैन बी रिटन एज 1 इनटू x प्लस 0 इनटू y और दिस कैन बी रिटन एज 0 इनटू x प्लस माइनस 1 इनटू y। लिख सकते हैं इसको 0 इनटू x प्लस माइनस, यस सर। So new system will be given as after reflection through x axis as 1 0 0 minus 1 x y, है ना, 1 0 0 minus 1 x y। yes sir, ठीक है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बन गई, दिस मैट्रिक्स विल बी वर्क एज द रिफ्लेक्शन बाय x एक्सिस, है ना, या इन x एक्सिस। किसी भी कोऑर्डिनेट को या किसी मैट्रिक्स को अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया गया है तो 1 0 0 माइनस 1 से क्या करें, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यस ओके।
तो हमारे को x एक्सिस की रिफ्लेक्शन बन जाएगी। हाँ दिस इज क्या, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इन द x एक्सिस, ठीक है? यस। क्या डिस्क्राइब कर रहा है दिस मैट्रिक्स, डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए एक्स कमा वाई इन द एक्स एक्सिस, ठीक है? इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स कमा वाई बन जाएगा, है ना? यस। अगर इसको अब यहाँ पे एक्स वन और वाई वन मानेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स वन इक्वल टू मिल जाएगा, बोलो एक्स वन इक्वल माइनस वन एक्स और सर वाई इक्वल टू जीरो वाई, वाई वन क्या मिल जाएगा, जीरो एक्स प्लस वाई वन इंटू वाई, ये मिलेगा ना? यस। इसके लिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, एक्स वन वाई वन माइनस वन जीरो जीरो वन, है ना, एक्स वाई, ठीक? यस सर। तो नाउ वी हैव रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इन द एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए 1 0 0 माइनस 1 है, वाई एक्सिस के लिए रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स माइनस 1 0 0 1 है फॉर ए पॉइंट। हो गया सी, मैं लिख रही हूँ। बह दीजिए है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स निकालना। यस हो गया सर, एक में से बस लास्ट लिख रही हूँ। यस सर, ठीक है। Yes, आगे बढ़े। Yes, now, okay. अब हमें देखना है कि अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो इसको नोट करते चले सर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या बनी थी सर हमारी, 1 0 0 माइनस 1 1, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा बना सकते हैं, ठीक है? यस। मैट्रिक्स क्या बनी थी सर, -1 0 0 1। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन बाय ओरिजिन क्या करना है, ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन करना है तो क्या बनेगा, अगर ओरिजिन को जब मिरर मान लो तो क्या बन जाएगा, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्या बना लेगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना? यस। अगर आप इसको एक्स वन वाई वन मान लो तो क्या मैट्रिक्स क्या बनेगी, एक्स वन इक्वल टू माइनस, बोलो एक्स वन माइनस और सर वाई भी माइनस हो जाएगा प्लस जीरो वाई, है ना? यस। वाई वन क्या बन जाएगा, जीरो एक्स प्लस माइनस वन वाई, है ना? यस। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी,
सर माइनस वन माइनस तो जीरो माइनस वन ठीक यस सर एक में मैं लिख लूंगा मैट्रिक्स लिख लेते हैं क्या है मैट्रिक्स सर माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन ठीक है इसी तरीके से आपको निकालना है रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू x इसकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ ये निकाल के देखो बनना कि नहीं बनना है जीरो वन वन जीरो बनेगी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स निकाल के देखो बनने की नहीं बन रही है yes. रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन करना है क्या करना है रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन करना है यहीं पे कर लेते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन करना है ये लाइन है ये कोई पॉइंट मान लेते ए है एक्स कामा वाई तो अगर ये रिफ्लेक्शन पॉइंट मिरर की तरह बिहेव करेगी तो अपोजिट इसका इमेज बनाएगी ना यस लेट्स से दिस इज एक्स वन दिस इज वाई वन है ना यस अब ये वैल्यू हमें पता करना कि कितना होगा ठीक है तो अगर ध्यान से इसको देखें हम तो हमें क्या पता चलेगा कि x y के इक्वल हो जा रहा है y x के इक्वल हो जाएगा है ना x y की y इक्वल टू x में कन्वर्ट करना है ना यस तो y इक्वल टू x पुट अप करेंगे तो x इक्वल टू x बन जाएगा है ना y इक्वल टू सर x पुट अप करेंगे तो x इक्वल टू x बन जाएगा यस मतलब x y की वैल्यू ले लेगा और y x की वैल्यू ले लेगा x1 इक्वल टू 0x मिल जाएगा प्लस 1y मिल जाएगा x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 1x मिल जाएगा प्लस 0y मिल जाएगा y2 y1 सॉरी ठीक है यस y इक्वल टू x में करेंगे जो अगर x पुट अप करेंगे यहाँ तो या इसकी वैल्यू x हो जाएगी y पुट अप करेंगे तो y हो जाएगी मतलब x y में y x की वैल्यू ले ले रहा है ठीक है यस इसको हम चाहे तो डायग्राम में बना करके भी इसको देख सकते हैं क्योंकि 45 डिग्री एंगल बन जाता है ठीक है यस ये आपका इनिशियल सिचुएशन है ये आपका फाइनल सिचुएशन है ये है ना Yes, यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले y की वैल्यू थी अब ये वैल्यू x की हो गई है ठीक है yes, ये इसी तरीके से ये पहले x की वैल्यू थी पूरी अब ये y की वैल्यू हो गई है ये है ना ये yes, ठीक है किसकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी सर वन जीरो वन वन जीरो यस ये मैट्रिक्स ठीक दी हुई है ओके नाउ y इक्वल टू x के बजाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू x tan थीटा ठीक है y इक्वल टू x tan थीटा ये बन गया आपका जनरल लाइन क्या बन गया ये जनरल लाइन बन गया आपका ठीक है yes. ऐसे सिचुएशन में जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनेगी मैं उसको लिख रहा हूं ये कोई भी लाइन हो सकती है किसी भी एंगल पे थीटा है यहाँ पे ठीक है
यस ए एक्स कमा वाई है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए एक्स वन वाई वन में, है ना। यस इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ऐसे, ये वाले डिस्टेंस आपकी कितनी थी x थी, ये वाले डिस्टेंस आपकी y है, ठीक है। यस और यहाँ पे आ गए हैं, ये वाले डिस्टेंस आपकी x1 है और ये वाली टोटल डिस्टेंस आपकी y1 है, ठीक है। आपको y1 और x1 निकालना है, तो यहाँ पे x1 क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, x1 इक्वल टू बन जाएगा आपका x cos 2 थीटा प्लस y sin 2 थीटा। ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट बनेगा इन दोनों का, क्या बनेगा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट बनेगा। डायग्राम ठीक से बनाना, ठीक है, क्योंकि ये मिरर की तरह काम कर रही लाइन, ओके। इसी तरीके से y1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये x sin 2 थीटा बन जाएगा माइनस वाई कॉस टू थीटा बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग में रख लेंगे, दो मैट्रिक्स दिमाग में रखनी होगी हमें, क्योंकि इसको ड्राइव करने में बहुत टाइम लगेगा फिर हमको, ठीक है। तो इसकी मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी, इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ये वाला जैसे y1 जो हम लेंगे वो पूरा जीरो, नीचे से y1 मानेंगे सिर्फ उतना पार्ट ही y1 होगा, कितना पार्ट, जैसे जैसे ऊपर वाला पार्ट y1 पूरा o से लेकर के यहाँ तक पूरा पार्ट y1 है, ये जैसे y1, ठीक है, और ये पूरा पार्ट आपका x1 है। ठीक है, अब by putting theta equal to 0, pi by 2, pi by 4, जो भी आप put up करना है, उससे ये general matrix बन गई, किसी भी line के लिए आप निकाल सकते हैं ये, ठीक है। Now, इसी तरीके से rotation matrix आपकी बन जाती है, उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं साथ में, ताकि दोनों एक साथ में याद हो जाए। Rotation through एन एंगल थीटा, इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ इसका कि कोई पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, यहां ले लो कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स कामा वाई, इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया गया, मतलब एक लाइन बना दी यहाँ पे थीटा एंगल पे हमने, ये पॉइंट यहां से यहां पे आ गया, ए डैश यहां पे आ गया, है ना। तो रोटेटिंग थ्रू थीटा एंगल मतलब एक थीटा एंगल पे नई लाइन बना दी, तो जितने पॉइंट यहां पे थे वो सारे थीटा एंगल पे रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। यस और इस केस में जो आपकी मैट्रिक्स बनती है, ये बनती है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, y1 की वैल्यू जो हो जाती है वो बन जाती है x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इसकी मैट्रिक्स जो हो जाएगी ऊपर वाले से बिल्कुल मिलती जुलती, साइन का थोड़ा चेंज आता है एक बार, ये cos थीटा माइनस sin थीटा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 थीटा में चल रहा था, माइनस साइन यहाँ पे था, इसमें माइनस साइन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रोटेशन मैट्रिक्स थ्रू एन एंगल थीटा, ठीक है। यस ओके हो गया। तो ये दो मैट्रिक्स है जिनको हम थोड़ा नोट्स में ऊपर लिख लें पेज पे, और इनको याद रखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं,
Yes. क्वेश्चन है, छोटा सा है. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट टू माइनस फोर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन वाई माइनस सिक्स. तो क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया उसकी मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना. यस. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहां इस केस में, ये जो एक्स है आपका ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एक्स प्लस थ्री वाई में, है ना. यस. और y जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है y माइनस x में. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x प्लस y में कन्वर्ट हो जा रहा है ना. इसको x1 इसको y1 मान ले तो अपना काम हो जाएगा, है ना. इसको x, ठीक है. यस. तो x1 y1 को लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे, 1 3 प्लस वन वन एक्स एंड वाई लिख सकते हैं. यस. अब हमें टू कामा फोर को माइनस फोर को कन्वर्ट करना है तो क्या करें, इसके रिगार्डिंग नए कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन क्या बन जाएंगे, टू कॉम वन थ्री माइनस वन वन, यहाँ पे टू माइनस फोर रख करके इसको सॉल्व कर लो. तो टू माइनस फोर रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टेन हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है. दिस इंप्लाइज टू विल बी कन्वर्टेड टू माइनस टेन एंड माइनस फोर विल बी कन्वर्टेड टू माइनस सिक्स, है ना. तो टू माइनस फोर विल बी ट्रांसफॉर्म टू माइनस टेन कमा माइनस सिक्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है. यस. कोई भी तुक्का नहीं मारना है, मैट्रिक्स बना लेना है डायरेक्ट. यहां से कोशिश नहीं करेंगे करने की एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुटअप करके, नहीं ये बना के करेंगे, इजी रहेगा, ठीक है. यस. बात समझ में आ गई ना. यस. हाँ मतलब आ जाएगी, यहां से भी कोई समस्या नहीं होगी. एक्स की वैल्यू रखो तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ये माइनस टेन आ जाएगा. वाई के लिए वैल्यू पुट अप करोगे तो ये माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस फोर हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, ये ठीक है. यस. लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स बना के अभी करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है. डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए अभी, ठीक. यस. डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे जरूरत हुई तो, लेकिन अभी मैट्रिक्स सीख लेंगे कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है. यस. ओके. यस. चलिए एक क्वेश्चन और है. नो देखते हैं कुछ इसकी क्वेश्चन की प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं और क्या चीजें हैं. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. टॉपिक है नया.
क्वेश्चन नहीं कर रही मैं उस पे और। हाँ सर वो आपने कहा था ना एक छोटा सा क्वेश्चन और है। तो 1, -3 को कन्वर्ट करना था तो हमने 2, 4 कर लिया तो हो जाएगा वैसे ही। यस इसे मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का दिया हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या बनेगा, ठीक है। एडवांस है, आपने अभी तक इन चीजों को देखा ही नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, बट बहुत इजी है, ठीक है, एडवांस लेवल है बट बहुत इजी है। तो क्या करते हैं, सिर्फ डिफरेंशियल जब भी क्वेश्चन आएगा बनने वाला क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो लेट अस सी दिस डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है इसकी, एनी नॉन जीरो वेक्टर, एनी नॉन जीरो वेक्टर X is said to be a characteristic vector of a matrix A if there exists a number lambda such that ax equal to lambda x, such that ax equal to lambda x and then lambda is said to be a characteristic root of the matrix, a characteristic root of the matrix. A corresponding to the characteristic vector x and vice versa. Okay. Yes. Characteristic roots means vector are also often called as proper values latent values or eigen values. Eigen value आपको आगे मिलेगा, common है eigen values, ठीक है, ये कॉमन, सबसे कॉमन आइगन वैल्यू आपको मिलेगा आगे आगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो एक ही नाम है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को ही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है,
लेकिन आगे अब आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट के बजाय आइगन वैल्यू लिखा हुआ ज्यादा मिलेगा, ठीक है? यस ठीक है। तो क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप ए एक्स को लेमडा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ए एक्स को लेमडा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो जो लेमडा होगा इसको आइगन वैल्यू कहा जाएगा, यही है ना, लेमडा विल बी कॉल्ड एज दी आइगन वैल्यू, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू, यस, ठीक है, और जो एक्स है उसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, यस, ध्यान रखना वैल्यू आएगा, क्या आएगा, वैल्यू, वैल्यू का मतलब नंबर हो गया ना, ठीक है, वो लंबा हो जाएगा, ओके, कहीं पे भी वैल्यूज लिखा है इसका मतलब है एक नंबर लिखा हुआ है, और वेक्टर लिखा हुआ है मतलब एक्स की बात हो रही है ये, ठीक है, ओके, यस, नोट कर लिया, यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में नोट कर ले, बेटर होगा, ठीक है, नोट, एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट करेस्पोंड टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट, बट ए कैरेक्टरिस्टिक, ये अगर दो वैल्यू को डिफाइन करेगा तो वेक्टर है उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, बट ए कैरेक्टरिस्टिक रूट सर ये कॉरेस्पॉन्ड, ये सर टी डब्ल्यू ऐसे, मतलब सर टू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, सिर्फ टी ओ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, टू टी डब्ल्यू ओ टू है, कैन नॉट करेस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, टू आगे लिख लोगी, ठीक है, ठीक है, कैन नॉट करेस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है, यस, बट ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स, बट ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स कैन करेस्पॉन्ड टू Can correspond to different characteristic vectors. So ये जो आपने अभी पॉइंट लिखा है ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के अंडर ही है। हाँ हाँ एक ही चीज में होता है, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है कि वेक्टर के दो स्लोप नहीं हो सकते हैं कहीं पे, लेकिन स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, यस, दस इफ ए एक्स इक्वल टू लेमडा वन एक्स ax equal to lambda 2x then lambda 1 cannot be equal to lambda 2
And if lambda 1 does not equal to lambda 2, this implies lambda 1 x equal to lambda 2 x. It is going to give you lambda 1 minus lambda 2 into x equal to 0. 0 matlab O matrix, null matrix. But we know that x cannot be 0. This will lead you lambda 1 minus lambda 2. And lambda 1, lambda 2 does not equal to 0. ये दिया हुआ है lambda 1 does not equal to lambda 2. और हमें पता है x भी 0 नहीं है. And therefore lambda 1 minus lambda 2 x cannot be equal to 0. Cannot be equal to 0. This will lead a contradiction in this statement. Thus, we have a contradiction. And as such, we see the truth of the statement one, truth of the statement one. ठीक है, हमने ले लिया ax equal to lambda 1x, ax equal to lambda 2x. एंड कहा कि लैम्डा 1 डज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, क्योंकि सेम नहीं कि डिफरेंट करेक्टरिस्टिक वैल्यू चूज किया, तो क्या मिला लैम्डा 1 x इक्वल टू लैम्डा 2 x मिल जाएगा. इसका मतलब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 x इक्वल टू ओ मैट्रिक्स हो जाएगा. अब ये तभी हो सकता था जब आइदर x 0 हो जाए या लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 0 हो जाए, क्योंकि x 0 हो नहीं सकता है और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 माइनस भी 0 नहीं हो पाए, क्योंकि हमने माना है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिफरेंट है. तो इसका मतलब क्या है, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया. लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 x इनटू 0, इसका मतलब ये है ऐसा कोई लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि लैम्डा 1 से डिफरेंट हो और को सेटिस्फाई करे. ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट ये था, जैसे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमने बोला कि जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है इट कैन नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. तो सर यहाँ पे जो x है, ये सी हियर लैम्डा 1 इज रूट, यस यस लैम्डा 1 इज रूट, लैम्डा 2 इज रूट, है ना. यस सर, और टू डिफरेंट का मतलब लैम्डा 1 डज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 कंडीशन हो गई है ना. यस सर, अब इसको लेकर के हमने देखा, हमने मान लिया कि नहीं ये करता है, तो करता है तो ये सिचुएशन अराइज होगी हमारे पास, है ना. इफ ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैन हैव टू डिफरेंट रूट्स, इट मींस ax1 इक्वल टू लैम्डा 1x एंड ax इक्वल टू लैम्डा 2x इज पॉसिबल, है ना. सिर्फ ऊपर स्टेटमेंट जो है वो है कि इट कैन नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट. आपको आप उसी को प्रूव करना है, तो हमने मान लिया कि वो स्टेटमेंट गलत है. मतलब हम कह रहे हैं कि वो दो डिफरेंट हो सकते हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल नहीं है. वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, यस. तो अगर ये चीज पॉसिबल है तो ये होना चाहिए फिर, है ना. ठीक है, ये तो सर ये तो चीज वो बोल रहे हैं ना कि अगर मतलब सर जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है x, वो सर दो डिफरेंट के लिए नहीं हो सकते. इसका मतलब सर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल नहीं हो गए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से. बेटा इसी स्टेटमेंट को तो प्रूव कर रहे हैं, इसको कैसे प्रूव करोगे आप.
हमने माना कि वो सर मतलब स्टेटमेंट कह रही है कि लैम्डा वन और लैम्डा टू होने चाहिए, बट हमने क्या कि नहीं है। नहीं है, ठीक है। यस और हमने माना कि नहीं है, तो नहीं मान करके हम एक कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए, है ना। यस ये इक्वेशन कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है ना। यस जब तक लैम्डा वन लैम्डा टू इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वेशन कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, ठीक है। यस तो हमने जो एज्यूम किया था उसको हम कंट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस इसका मतलब हुआ कि स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के एक से अधिक रूट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही लैम्डा होगा उसका। हाँ, मतलब टू डिफरेंट रूट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यस इसका सिंपल सा मीनिंग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एक ही स्लोप होता है ना। यस जबकि स्केलर क्वांटिटी के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यस ओके, आगे बढ़े यस ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स, क्या होगा ये डिटरमिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स। If lambda be a characteristic root and x a corresponding characteristic vector, आपके मैट्रिक्स देन बी है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा आई एक्स एंड दिस विल result in a minus lambda I into x equal to null vector, ठीक है। मैं जीरो नहीं लिख रहा हूं, मैं null vector लिख रहा हूं, null matrix लिख रहा हूं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, since x is the matrix, x is the vector and it cannot be zero, this will lead to a situation where a minus lambda I a minus lambda i will be a singular matrix and therefore determinant of a minus lambda I will be zero. Okay, ठीक है। Yes. तो यानी कि अगर लैम्डा आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट है, यानी आइगन वैल्यू है, ठीक है। क्या है? आइगन वैल्यू है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, इसके रिजल्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं इसको, इसी का रिजल्ट है।
a माइनस लेमडा आई इक्वल टू जो जीरो आया है इसी पे रिजल्ट लिख रहे हैं कन्वर्सली इफ लेमडा इज लेमडा बी एनी रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक any root of the characteristic equation any root of the characteristic equation characteristic equation a minus lambda I equal to 0 this is the characteristic equation this is characteristic equation then matrix equation then matrix equation a minus lambda I x necessarily possesses a non-zero solution x so that there exists a vector x does not equal to null matrix such that a x equal to lambda I x equal to lambda x. तो जिस स्टेटमेंट से हमने स्टार्ट किया था उसी स्टेटमेंट पे दोबारा वापस आ गए हम लोग ठीक है yes. दस every root thus every root of the characteristic equation of a matrix the every root of the characteristic equation of a matrix is a characteristic root is a characteristic root of the matrix okay नोट कर लिया सर एक मिनट लिख रही हूँ हो गया यस नाउ इफ ए बी एन रूट देन देन द कैरेक्टरिस्टिक equation a minus lambda I equal to 0 is of
nth degree. So that every n road square matrix possesses n characteristic root. Which of course may not all be distinct. May not all be distinct. ध्यान रखना रूट को डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आइगन वेक्टर होगा उसका डिस्टिंक्ट होना जरूरी है. ठीक है. लो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा हमको जो सब कुछ क्या है, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है. क्वेश्चन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द टू रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स टू रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा. इस मैट्रिक्स को याद रखना है, ये आपका मैट्रिक्स रोटेशन का है विद एंगल थीटा वाली, है ना. मैट्रिक्स रोटेशन विद थीटा. यस एंड वेरीफाई. ऐसे इनको याद रखेंगे तो काफी हेल्प करेंगे आगे हमको ये. ठीक है. एंड वेरीफाई दैट दे आर यूनिट मॉडुलस. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने हैं. तो देखो टू रोड है तो टू रोड इसके होने चाहिए, है ना. टू रोड है तो टू रोड होने चाहिए इसके, है ना. अभी पीछे देखा था हमने कि एन रोड मैट्रिक्स होगी तो एन रोड होने चाहिए थे ना. यस. देखिए क्या करेंगे. वी है क्या है, हमें क्या चाहिए, a माइनस लेमडा आई चाहिए, है ना. यस. a माइनस लेमडा आई कितना हो जाएगा, ये cos थीटा है माइनस लेमडा हो जाएगा माइनस साइन थीटा रह जाएगा, ये भी साइन थीटा रह जाएगा, ये अपना हो जाएगा cos थीटा माइनस लेमडा. आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी. अगर समझ में नहीं आई है उसको ऐसे लिख लेना, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा. इसमें से माइनस करना है लैम्डा 1001. ठीक है. इसका मीनिंग हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस लेमडा 00 लेमडा, है ना. इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट माइनस होते जाएंगे, तो कॉस थीटा माइनस लेमडा यहाँ जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस लेमडा हो जाएगा. ठीक है. तो करना क्या है, जब भी ए माइनस लेमडा ही दिया हो तो जो मैट्रिक्स दिए उसके डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर देंगे तो ए माइनस लैम्डा आई मिल जाएगी हमको. ठीक.
यस ओके हटा दें इसको सिर्फ एक मिनट लिख रही हूँ नोट करना है यस सिर्फ मैं एक मिनट नोट कर रही थी चलो यस हो गया हटा दे इसको यस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस मैट्रिक्स को ओपन कर लो ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को कॉस थीटा माइनस लैम्डा और क्या मिलेगा मैट्रिक्स को ओपन कर रहे हैं इनटू सिर कॉस लैम्डा माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है दिस कैन बी रिटन एज अच्छा क्योंकि ये आपके सिंगुलर मैट्रिक्स हो जानी चाहिए तो इसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए है ना यस रूट निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया मतलब कॉस थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये है ना यस दिस मीन्स लैम्डा इक्वल टू कॉस थीटा अब प्लस माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हैं सॉरी यहाँ पे आई नहीं लिखा मैंने ये माइनस हो जाएगा इधर जाकर के नहीं आई साइन थीटा यस इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो माइनस आई आ जाएगा ये प्लस माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन कैन बी रिटेन एज आई स्क्वायर ठीक है यस तो लैम्डा के दो वैल्यूज मिल गए हमको क्या क्या मिल गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है ना यस टू वैल्यूज मॉडुलस देखो तो मॉड लैम्डा कितना हो जाएगा अंडर रूट और इसके टू रूट भी हो गए तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दिया हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हम a माइनस लैम्डा i करके सॉल्व करेंगे उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बना के जीरो करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ठीक है क्या हो गया हा? थर्ड ऑप्शन जो है एचपी लिखा है एचपी हाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन यस ठीक है अब ये चेक करना है तो कितना सिंपल क्वेश्चन है कितना इजी क्वेश्चन है क्या करना है जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी वो उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी वन 2a a है ना 1 3b b 1 4c c है ना x y z ये आपकी जीरो मैट्रिक्स है कोई बात ही नहीं है क्या ये आपका नल मैट्रिक्स है होमोजीनियस इक्वेशन है ये तो क्या करना है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी है ये क्या है जो नॉन जीरो सॉल्यूशन इसने फिक्स किया है कि इट हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन इसका मतलब 1 2a 1 3b 1 4c इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा वन के इसको एक्सपेंड कर दो कितना मिलेगा बोलो सर 3b माइनस सी माइनस सर 2a 3bc माइनस 4bc यही हुआ ना फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं हाँ कहीं कर लो रो कर लो कॉलम कर लो क्या प्रॉब्लम ठीक है माइनस टू ए
सी माइनस बी है ना, प्लस ए फोर सी माइनस थ्री बी। बस सिंप्लीफाई उसको आपका आ जाएगा, थ्री बी सी माइनस फोर बी सी कितना हो जाएगा बी सी, माइनस टू ए सी माइनस टू ए बी प्लस फोर ए सी माइनस थ्री ए बी है ना। यस ओके नाउ इसको और सिंप्लीफाई करो, टू ए सी माइनस टू ए सी कितना हो जाएगा, ये खाली टू ए सी बचेगा है ना, टू ए सी बचेगा। ओके यस, और क्या बचा, बी सी है, बी सी कहीं पे नहीं है और ठीक, ए बी है और ए बी है आपके पास, कितना बचेगा ये प्लस बी सी और टू ए बी माइनस थ्री ए बी कितना हो जाएगा माइनस ए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक yes. इसको ऊपर ले आओ टू ए सी, इसको इधर लेके जाके बी कॉमन ले लो, ए प्लस सी हो जाएगा ये है ना, यानी बी इक्वल टू कितना मिल गया टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये हो गए आपका मीन, कब जब ए बी सी आपके सी में हो है ना, हमारा जो बी सी की वैल्यू है नेगेटिव नहीं हो जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैं कह रही हूँ बी सी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाएगी क्योंकि सर थ्री बी सी माइनस फोर बी सी था। ओके बी सी नेगेटिव आ रही है। यस सर, एक बार चेक करो फिर से साइन कहीं पे मिस्टेक सर, क्योंकि थ्री बी सी माइनस फोर बी सी तो माइनस बी सी बचेगा क्योंकि सर बाकी कहीं और बी सी की टर्म बन नहीं रही है, मैं सर इससे पूछ रही थी। दोबारा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से वन से करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री बी सी है ना, माइनस फोर बी सी, देखो यहाँ माइनस बी सी बच रहा है बेटी, यहाँ माइनस बी सी बचेगा, ये साइन मिस्टेक किया आपने। ठीक है यस, इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी आ गया, इसका मतलब ए बी सी किसमें होंगे आपके एचपी में होंगे। ठीक है यस, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप थोड़ा सा उसको करेंगे तो इजीली बन जाएगा वो। ठीक है यस ओके, चलिए कल कुछ क्वेश्चन और देखेंगे इस पे हम लोग, उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिटर। ठीक है।